आर्थिक हालत देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वित्तीय संकट से जूझ रहे पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब एक नया बैंक रडार पे आ गया है और आरबीआई ने कल देर रात यस बैंक से पैसे निकासी की समय सीमा जो है पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब एक नया बैंक रडार पे आ गया है और आरबीआई ने कल देर रात यस बैंक से पैसे निकासी की समय सीमा जो है वो तय कर दी है और अब लोग 50,000 रुपए ही एक महीने में निकाल सकते हैं। हालांकि जिसके घर में शिक्षा को लेकर, शादी को लेकर या फिर किसी की तबीयत खराब हो, इलाज कराना हो, तो उनके लिए जो पैसे निकासी की सीमा है वो 5 लाख तक की। इस वक्त हम दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यस बैंक अभी फिलहाल एटीएम जो है वो यहाँ का बंद है। इसके अलावा आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और यस बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारियों पर रोक लगाते हुए एक महीने के लिए एसबीआई के पूर्व एमडी और सीएफओ प्रशांत कुमार को प्रशंसक जो है वो नियुक्त किया है। तो फिलहाल लोगों में थोड़ी सी बेचैनी है कि पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद जिस तरह से पीएमसी बैंक से पैसे निकासी की सीमा जो है तो वो तय कर दी गई थी, इसी तरह से अब यस बैंक से भी पैसे निकासी की सीमा तय हो गई। थोड़ी सी लोगों में बेचैनी है, मगर आरबीआई का कहना है कि जिस तरह से एनपीए यस बैंक पे बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए ये कदम आरबीआई ने उठाया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। सर अभी खबरें आएगी 50,000 के ऊपर आप विड्रॉल नहीं कर सकते, पर इस तरह से बैंकिंग में हमारा ऐसा है कि वहाँ पे मेरा अकाउंट है वो बंद करने के लिए आया हूँ। कल रात को मैंने पैसे निकाला पर बाद में एटीएम को मशीन भी बंद हो रही, प्रॉब्लम आ रहा, कल से प्रॉब्लम आ गया था इनका। तो कल रात को ही चेक किया, मशीन बराबर वर्क नहीं कर रही थी, तो मैं अभी अकाउंट क्लोजर के लिए आया हूँ और क्लोज करके जा रहा हूँ। तो पता चला कि बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए सिर्फ निकाल सकते एक महीने के लिए, एक महीने में, इसीलिए भागते हुए बैंक आए हुए हम लोग। न्यूज देखिए, न्यूज देखने के बाद में हमको मालूम पड़ा कि एक्सिस बैंक में खाली 50,000 रुपए का विड्रॉल हो रहा है, इससे ज्यादा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आके पता चला कि खाली 50,000 रुपए विड्रॉल देने वाले हैं एक महीने में एक अकाउंट पे, खाली इससे ज्यादा नहीं देने वाले। मैं अभी बैंक आया हूँ तो मुझे पता चला है कि 50,000 के ऊपर विड्रॉल नहीं देते और हम लोगों का पूरा पैसा यही पड़ा हुआ है। और होली नजदीक है और हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हैं, सबको पेमेंट देना है और ये लोग बोलते हैं 50,000 के ऊपर विड्रॉल नहीं हो रहा, वो भी चेक नहीं ले रहे हैं। तो आरबीआई ने तय की है कैश निकासी की सीमा और अब एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। ग्राहक अब एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। 3 अप्रैल तक जारी रहेगी निकासी लिमिट। तो आपको बता दें कि यस बैंक की नेट बैंकिंग की सेवाएं भी अब बंद हो गई हैं। तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है यस बैंक, अधिकतर शहरों में एटीएम सेवा भी बंद हो गई है। तो आरबीआई ने बैंक में प्रशासक नियुक्त किया है। और भाई लखनऊ में यस बैंक के ग्राहकों को परेशानी हो रही है, बैंक का जायजा लिया हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने। यस बैंक में 3 अप्रैल तक 50,000 रुपए मासिक निकालने की शर्त के बाद यस बैंक में ग्राहकों का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। जो भी यस बैंक के ग्राहक हैं सब जो है वो अंदर हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि पैसा जो है वो निकाल सकें। इसका अंदेशा तो हम लोगों को बहुत पहले से ही था, तो हमने जून के महीने में ही अपना काफी सारा पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया था, थोड़ा बहुत अमाउंट बचा था। तो उसका पता करने के लिए हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि हम 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, एटीएम ब्लॉक हो गया है और नेट बैंकिंग भी नहीं चल रहा है। तो ये सूरत हाल जो बनी हुई है लखनऊ में, ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, यस बैंक की ब्रांच जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ भी एटीएम है वहाँ पर जो है वो लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है आज सुबह से ही। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में यस बैंक जो है वो कितना ग्रोथ कर पाता है या किसी दूसरे बैंक में जाने जा सकता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और अब खबर कानपुर से है जहां पर यस बैंक के उपभोक्ता परेशान है। 50,000 से ज्यादा निकासी नहीं हो रही है और बैंक के कर्मचारी नहीं दे रहे हैं जानकारी। बैंक के उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं, तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है यस बैंक। बैंक के उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है, अब वो यहाँ पर अपने बैंक से ही, अपने खाते से ही 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर जो है कि जो उपभोक्ता हैं यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं, जब से ये सूचना लोगों को मिली है कि यहाँ पर हम लोग 50,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते अपने खाते से, तब से यहाँ पर जो है उपभोक्ता आ रहे हैं और इस चीज की पूर्तियां जानकारी कर रहे हैं कि इस तरह अभी तक ऐसे बैंकों में कहीं कुछ नहीं हुआ है एकदम से ये सब चीजें कि अपना ही पैसा निकालने के लिए अब यहाँ पर जो है 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सारे लोग सुबह से आए हुए हैं। विवेक पांडे, 12 समाचार, कानपुर।
इस बैंक में ग्राहकों के लिए अपना पैसा निकालने के लिए एक महीने में 50,000 रुपए की सीमा निर्धारित होने के बाद गोरखपुर में ग्राहकों को परेशानी हो रही है। बैंक का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास शाही ने। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद शहर के बड़े खातेदारों के लेन देन यस बैंक में नो हो गए हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद अब कोई भी ग्राहक यस बैंक से महीने में 50,000 से ज़्यादा निकल पाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं शहर के इस मेडिकल कॉलेज ब्रांच में। गोरखपुर शहर में दो ही ब्रांच है, एक मेडिकल कॉलेज में ब्रांच है और एक जो है वो बैंक रोड पे है। ग्राहकों में काफ़ी परेशानी है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के जो खाते हैं वो यस बैंक में ही होते हैं। बैंक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं बार बार उनको समझाने की जुगत में लगे हुए हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो बड़े देनदार और लेनदार हैं, जो देनदारी और लेनदारी बैंक के महीनों करते हैं, उनके लिए काफ़ी संकट की घड़ी आ गई है। कैमरोग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। बहुत हो रही है। डिपॉजिट किया था GDA में डिपॉजिट करने के लिए अपना, तो मुझे एक हफ्ते में डिपॉजिट करना है पैसा, तो ये बैंक वाले बोल रहे हैं कि 50,000 ही निकल पाएगा। बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, बताइए। हमारा पैसा हम ही को लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे घर में शादी है, कोई भी त्यौहार है, कोई भी चीज़ है, 50,000 तक ही निकाल सकते हैं। अब हमारा पैसा अगर बैंक का अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बैंक वाले इस चीज़ को समझे ना, हम क्यों उस चीज़ को भुगते हैं। अब त्यौहार है, पैसा निकालना था, अब अकाउंट ब्लॉक हो गया, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अब देखना पड़ेगा। दिक्कत सामना करना पड़ेगा, ब्रांच में भीड़ रहेगी, पता नहीं ब्रांच में कैश है कि नहीं है, कौन कौन सी ब्रांच में क्या पैसा है नहीं है। और वहीं झांसी में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बैंक में रुपए निकलना बंद हो गया है, ATM से रुपए निकलना पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो यस बैंक के ग्राहक बैंक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यस बैंक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब निकासी की लिमिट तय कर दी गई है और ग्राहक एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही बैंक से निकाल सकते हैं। तो वित्त संकट से जूझ रहे बंद हो गया है, रास्ते लोग ATM पे आप देख सकते हैं, ATM जो ATM है यहाँ से पैसा नहीं निकला गया। आज सुबह से यहाँ के जो ग्राहक हैं यहाँ पहुँचे हैं और अपने पैसे लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। जिस तरीके से यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का ये पैसा जो RBI ने जो बंद कर दिया है, इस बात के लिए यहाँ के ग्राहक बहुत परेशान हैं। SS झा, भारत समाचार, झांसी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीमाब और रवि शराफ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेके चलेंगे आपको दिल्ली, रवि सीमाब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर येस बैंक के ग्राहकों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मनीष, अगर यस बैंक के ग्राहकों की बात करें तो दिल्ली नहीं पूरे देश भर में उनके जो तमाम जो ग्राहक हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सीमा तो जरूर तय कर दी गई है पर ATM बेहाल है। कहीं पे ATM सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है, सर्वर डाउन है, काफी तरह की दिक्कतें हो रही है। अभी होली का त्यौहार है, शादी का मौसम अब शुरू होने वाला है, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और अभी कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट किया और सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है कि आर्थिक संकट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार मोदी जी के तमाम आइडिया है और यस बैंक को अब नो बैंक कहना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स में लोगों का लगातार भरोसा जो है उठता जा रहा है। पहले PMC बैंक, उसके बाद अब यस बैंक, तो ये कहा जाए कि लोग काफी घबराए हुए हैं भी और एक डर का ही माहौल है, क्योंकि जितने लोगों के पैसे जो बैंक में, लोग अब सोच रहे हैं कि उन पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, बैंक पे भरोसा करें ना करें, काफी सवाल है। इसका जवाब सीधा सीधा सरकार को देना है, वित्त मंत्री को इन सभी सवालों का जवाब देना है। पर अभी के अगर दौर की बात करें तो ATM चल नहीं रहे सुचारू रूप से पूरे देश भर से, कमोबेश ऐसे ही सूचना मिल रही है, तमाम मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया लोग पोस्ट करें, तो यस बैंक की बेहाली को लेकर लोग काफी बेहाल है, क्योंकि अब त्यौहार का मौसम है, होली भी सामने है, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास बैंकिंग प्रणाली को लेकर मनीष देखिए उठता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक तो आर्थिक संकट की बात लगातार विपक्ष करता रहा है कि देश में जो आर्थिक संकट है, रोजगार नहीं मिल रहा, ऊपर से जिन लोगों के पैसे बैंक में है वो भी सेफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग काफी खुश नजर नहीं आ रहे, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है बैंकिंग प्रणाली को। और इन सभी चीजों को लेकर सरकार को अब सामने आना है, सरकार क्या कदम उठाती है, RBI क्या कदम उठाती है। हालांकि RBI की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, कुछ महीने बाद हो सकता है कि इस बैंक को विलय कर दिया जाए, फिर जो सीमा जो है उसे बढ़ा दी जा सकती, पर अभी तत्काल रूप में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, एक डर का माहौल जो यस बैंक के तमाम ग्राहक है। संवाददाता सीमाब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमाब, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, क्या अभी भी
एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए एटीएम के बाहर लंबी लाइन तो नहीं लगी हुई है क्योंकि एटीएम जो है वो चालू ही नहीं है और आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, आउट ऑफ सर्विस चल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो लखनऊ के यस बैंक के जो दूसरे बैंक हैं उनमें भी पैसा नहीं है, तो इसलिए लोग सीधे तौर पर बैंक की तरफ रुख कर रहे हैं और बैंक आकर अपना पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। हालांकि यहां पे जो आने वाले ग्राहक हैं उन लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि बैंक में इस वक्त पैसा मौजूद नहीं है और आज और कल पर जो है वो यहाँ के जो बैंक है वो टाल रहा है पैसा निकालने के लिए। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो त्योहार को लेकर हो रही है। दरअसल जो व्यापारी वर्ग है उसने भी यस बैंक में खाता खुलवा के रखा था और उसने कहीं ना कहीं अपने जो जानने वाले हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको चेक्स वगैरह दे के रखे थे और वो चेक बाउंस होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के घर में शादी है, ब्याह है या कोई बीमार है या किसी की फीस जमा करनी है छात्र की, तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद ही 50,000 रुपए से ज्यादा जो है वो निकाले जा सकते हैं, 5,00,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। हालांकि बावजूद इसके सुबह से ही देखा जा रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, यहाँ पर खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि SBI यस बैंक का अधिग्रहण कर सकता है, कितनी सच्चाई इस खबर में? जी देखिए, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इनिशिएटिव लेना है, RBI को इनिशिएटिव लेना, अभी बैठक भी एक चल रही है संसद भवन में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बैठक कर रही है, तो इन सभी फैसले जो है वो वित्त मंत्रालय को लेना है, RBI को लेना है। पर अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करें मनीष, तो देखिए लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद त्यौहार है, शादियां हैं और कई तरह के एडमिशन बच्चों के होते हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर लोग जिस तरह से यस बैंक के ऊपर भरोसा किए थे, एक बड़ा निवेश हुआ था यस बैंक जब बाजार में आया था, तो काफी ग्राहक इससे जुड़े थे और बड़ा निवेश भी हुआ था इस बैंक में, शेयर भी इसके काफी आगे तक बढ़े थे, पर अब कहीं ना कहीं सब कुछ लुढ़क चुका है, इसके वजह से शेयर मार्केट पे भी काफी नुकसान हो रहा है, 4% ज्यादा जो है शेयर मार्केट अभी गिर चुका है। तो ये कहा जाए कि लोगों के अंदर जो है अविश्वास का माहौल तो पैदा हो चुका है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई PMC बैंक के बाद, लोग काफी दुख में थे, वहां से जैसी बातें निकल कर आ रही थी। हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीमा हम जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपसे कि आप लोगों से बात करें, कितना दिक्कतों का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है, बात करिए उनसे। जी बिल्कुल मनीष, बात करेंगे, यहाँ लोग मौजूद हैं, दो लोग अंदर आए हुए थे बैंक से, इनसे बात करेंगे, कहाँ से आप आए हैं और क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं यहाँ पे अब वापस जा रहा हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा कैश खत्म हो चुका है, मेरा यस बैंक में अकाउंट है, पैसा भी नेट बैंकिंग नहीं चल रहा और मैं कैश विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इनका सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे सर। तो क्या कैश भी नहीं निकल पा रहा है अभी बैंक से, क्या कुछ कह रहे हैं बैंक के जो अंदर एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं? एम्प्लॉयज तो कह रहे हैं सर अभी हम कुछ नहीं कह रहे, पीछे से बैकएंड में प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर है, सर्वर एरर है, यही बोले जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी हम कुछ नहीं जवाब दे सकते आपको। तो फिलहाल अभी जो है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या चेक वगैरह भी बाउंस हो रहा है आप लोगों? नहीं, चेक तो अभी मेरा कुछ आया नहीं ऐसा, बट मेरे को पैसों की जरूरत थी, कैश की रिक्वायरमेंट थी, पर निकल नहीं निकल पा रहा। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, यस बैंक का शेयर कल 36 रुपए था, आज 5 रुपए लेके 15 रुपए में चल रहा है अभी, तो काफी दिक्कत है यस बैंक को, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में। तो मनीष आप देख रहे हैं कि लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, शेयर मार्केट से लेकर और तमाम चीजों की लोग बात कर रहे हैं और बैंक भी जो है वो पूरा पैसा देने को तैयार नहीं है किसी तरह का, आज और कल पे लोग टाल रहे हैं। हालांकि लोग लगातार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो है वो दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। मनीष जी बिल्कुल, चलो आप दोनों बने रहिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। तो फिरोजाबाद में यस बैंक में ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ग्राहकों को परेशानी हो रही है, बैंक का जायजा लिया हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने। यस बैंक की खराब आर्थिक हालत के बाद RBI ने अंकुश लगाया है, यहां तक कि एक कंट्रोलर को भी नियुक्त किया गया है इस बैंक की आर्थिक हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो मेरे साथ उपभोक्ता मौजूद हैं, क्या सुनने में आया अभी तक? ऐसा है, अभी हम यहाँ से निकल रहे थे, तमाम भीड़ को देखा तो मैंने भी आके बैंक में पता किया, तो बता रहे हैं कि बैंक में कुछ कर्जा वगैरह ऐसा कुछ हो गया है, तो बैंक कंगाली की हालत में। अभी आपने ATM का उपयोग किया? पहले सबसे पहले मैंने अपनी चेकबुक लेके मैंने घर से मंगाई, चेकबुक के लिए अंदर गया तो वहाँ तमाम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लाइन लगी हुई है, तो मैंने ATM कार्ड मंगाए, ATM कार्ड मैंने इनके ATM कार्ड में लगाया है तो वो ATM कार्ड ही खराब पड़ा हुआ है, अन्य ATM कार्ड में ICICI बैंक और कैनरा के में लगा के देखा तो इनके कार्ड को डिसलाइन किया जा रहा है, पेमेंट ही नहीं कर रही कोई बैंक।
उपभोक्ताओं के साथ साथ जो दुकानदार हैं, जो गोदाम मालिक हैं, जो कारखाने मालिक हैं, उनको इस बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। फिरोजाबाद से जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। और वहीं दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्यक्ष से मुलाकात की है और उनके साथ कॉर्पोरेट मामलों के सचिव ज्योति श्रीनिवास भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना के चलते प्रधानमंत्री का बेल्जियम दौरा भी टल गया है और होटल्स के 2500 कमरों की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। तो कोरोना जांच के लिए 19 नई लैब बनाई जाएंगी। में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 31 पहुंच गई है। कल गाजियाबाद में एक मामला सामने आया था, उसके बाद फिर इटली से आए एक पर्यटक की पत्नी का कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद फिर पीड़ितों की संख्या देश में 31 हो चुकी है, जिसमें 15 इटली के ही नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि कल LNJP अस्पताल में 11 आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो और बना दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की और लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर से साफ करें और लोगों से हाथ मिलाने से बचें। इसके अलावा CRPF ने होली मिलन समारोह जो है वो जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में 2 कोरोना वायरस के संदिग्ध लोग पाए गए थे, जिनकी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है, उनकी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार जो है वो अभी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। और वहीं लखनऊ के KGMU का जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्शद ने। कोरोना वायरस को लेकर UP भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से आला अधिकारियों ने कोरोना वायरस को लेकर के लोगों को निर्देश दिए कि किस तरह से इससे बचें, हम इस टाइम लखनऊ के KGMU पे खड़े हुए हैं, जहां पे भी कोरोना वायरस के मरीज आए हुए थे और इनका यहां पे इलाज चला है और इनकी जांच भी यहां पे दी गई है। हालांकि 175 लोगों में 157 लोगों में करीब कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं और बाकी जो लोग हैं उनका KGMU और पुणे में उनकी जांच चल रही है। वहीं पर आला अधिकारियों का और डॉक्टरों का भी कहना है कि जिस तरह से इसको ये फैल रहा है और इसके कैसे बचा जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि इस पर बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी बचें और खांसे या छींके तो मुंह पे रुमाल रख लें, उसका इस्तेमाल करें और इस और भी बहुत सी चीज़ें इसके लिए बताई कि किस तरह से इससे परहेज करें। और लखनऊ में ही नहीं पूरे UP में इसके लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, यहाँ तक कि 7 मेडिकल कॉलेजों में 800 बेड इसके लिए स्पेशल बनाए गए हैं इस मरीजों के लिए, ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ लखनऊ से अर्शद रजा, भारत समाचार। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि जुड़े हैं, वहीं लखनऊ से सीमा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेके चलेंगे आपको दिल्ली, जहां पर रवि जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कितनी संख्या में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए। देखिए मनीष, अगर कोरोना वायरस से पॉजिटिव मामले की अगर बात करें तो 30 से ज्यादा लोग अभी तक पाए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ की पहल की बात करें तो ऐसा कुछ भी जमीनी धरातल पर नजर नहीं आता है। लोग अपने हिसाब से खुद इंतजाम कर रहे हैं, जिस तरह से बात लगातार प्रिकॉशंस की कही गई है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आप मास्क लगाएं, पर बाजार में अगर जाए सैनिटाइजर की बात करें तो कहीं ना कहीं लूटने का भी काम जो है शुरू हो चुका है। कोरोना के नाम पर जो है लोग एक तो डरे हुए हैं, ऊपर से लोग अगर मास्क लेने जाते हैं तो 500 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये की कीमत में मास्क मिल रहा है। कई ऐसे दुकानें जहां पर मास्क मौजूद नहीं है। सैनिटाइजर्स की बात करें तो डुप्लीकेट सैनिटाइजर जो है मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उनके भी जो कीमत है 100 रुपए, 200 रुपए। डर के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का काम बाजार में शुरू कर दिया गया और सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नजर नहीं आता है कि सरकार कोई एक लिमिट तय कर रही हो या फिर मास्क कहीं सरकारी व्यवस्था से लोगों को मिल रहा हो, सैनिटाइजर सरकारी व्यवस्था से लोगों को मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोग अपने खुद के इंतजाम से ले रहे हैं और औने पौने दाम में कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। डर के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और सरकार
की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की अगर बात करें, सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो लोग लगातार बात की जाए कोरोना वायरस की, तो इसका प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 31 मामले सामने आ चुके हैं। बाजार की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो क्या कुछ असर व्यापार पर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो कोरोना वायरस का मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, और साथ ही साथ लखनऊ जिला प्रशासन ने